केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट की जारी। लगातार चौथे साल इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं प्रमुख मुद्दे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंचे सचिन पायलट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, अचानक कैंसिल हुआ सीएम गहलोत का आना। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का दावा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया था राहुल को अपनी जगह पीएम बनाने का प्रस्ताव, लेकिन राहुल ने इस प्रस्ताव को किया था स्वीकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले यूपी में अब सच बोलने का इनाम है मुकदमा। मैं जनता से करता हूं वादा, 9 क्या अगर ये 900 मुकदमे भी कर दे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा जन सरोकार की राजनीति। मोदी सरकार के मंत्री ने की गुजरात सरकार की खिंचाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले फंड देने के 6 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ काम। अब जिंदगी में आराम करने का वक्त, 2 साल में 3 तबादले के बाद बोले गवर्नर सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर गोवा के बाद अब मेघालय के गवर्नर बने सत्यपाल मलिक। संसद के मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस की वर्चुअल भागीदारी की अपील। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, कहा महामारी के मद्देनजर सदस्यों को संसद के आगामी मॉनसून सत्र में वर्चुअल तौर पर भाग लेने की दे अनुमति। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की प्रशांत भूषण की अपील। भूषण के वकील बोले सजा टालने पर नहीं होगी आफत। भूषण ने आज सजा पर होने वाली बहस को टालने और समीक्षा याचिका लगाने का मौका देने की लगाई थी अर्जी। राम मंदिर का निर्माण 36 से 40 महीने में पूरा होने की संभावना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। पत्थरों से ही बनेगा मंदिर, 1000 साल रहेगी मंदिर की उम्र। कोविड के खिलाफ महाराष्ट्र का धारावी मॉडल हुआ ग्लोबल। फिलीपींस की मेट्रो मनीला की स्लम में भी लागू किया जाएगा धारावी मॉडल। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में शामिल है फिलीपींस के मेट्रो मनीला की स्लम। यस बैंक मामले में वधावन बंधुओं को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। हाईकोर्ट ने कपिल वधावन और धीरज वधावन को सशर्त दी जमानत। 60 दिनों का समय होने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय इन दोनों बंधुओं पर कोई चार्जशीट नहीं कर पाया था दायर। बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के बाद कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप पर वार। कमला ने ट्रंप को बताया असफल नेता। डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है कमला हैरिस। दक्षिण चीन सागर में चीन ने बढ़ाई जहाज और पनडुब्बियों की संख्या। अमेरिकी सैटेलाइट में हुई कैद। चीन ने हैनान द्वीप के यूनिल नेवल बेस पर बनाया एक सीक्रेट बंकर जिसके दरवाजे पर दिखाई दे रही है चीन की टाइप 93 पनडुब्बी। 27 अगस्त को होगी जीएसटी परिषद की बैठक। राज्यों के मुआवजा भुगतान और राजस्व पर हो सकती है चर्चा। इसमें 19 सितंबर को होने वाली परिषद की बैठक का एजेंडा भी होना है तय। 8,40,000 करोड़ के कर्ज का पुनर्गठन कर सकते हैं बैंक। इंडिया रेटिंग्स का दावा, पुनर्गठन नहीं होने से एनपीए हो जाएंगे 60% से ज्यादा कर्ज। कर्ज पुनर्गठन में गैर कॉरपोरेट क्षेत्र की ज्यादा हो सकती है हिस्सेदारी। रोहित शर्मा को खेल रत्न की घोषणा के बाद बोले बॉक्सर अमित पंघाल, क्रिकेटर्स के आगे 100 देशों से भिड़ने वाली ओलंपियंस हमेशा होते हैं नजरअंदाज। हाल ही में हुई थी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामों की घोषणा। चैंपियन लीग में 7 साल बाद फाइनल में पहुंचे बायर्न म्यूनिख। बयानात ने सेमीफाइनल में लियोन को 3-0 से हराया। जर्मन क्लब 11वीं बार खेलेगा खिताबी मुकाबला। कंगना के निशाने पर अमिताभ बच्चन, सुशांत केस और राम मंदिर भूमि पूजन पर अमिताभ की चुप्पी पर कंगना ने उठाया सवाल, कहा ये माफिया का डर। बॉलीवुड में एक और सुसाइड, पेंटर और फोटोग्राफर राम इंद्रनील कामत ने किया सुसाइड। बाथटब से बरामद हुआ शव, पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का किया केस दर्ज।